मिरकपुर में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मिरकपुर में मकान निर्माण के दौरान मजदूर शोवेंद्र पिता ईश्वर भीमटे उम्र 21 वर्ष की 11 केवी के बिजली के तार करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया और 14 जनवरी को गांव में शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चकाजाम किया, जिसकी सूचना मिलने पर तिरोड़ी सहित बालाघाट जिले के अलग अलग थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विरोध प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सारे ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण मजदूर की जान गई है, इसीलिए ठेकेदार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता करे और पुलिस ठेकेदार और गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज करे। ऐसी मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। करीब 3 घंटे तक चला चकाजाम रहा। ठेकेदार ने जब पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया, इसके बाद मामला शांत हुआ और पुलिस की समझाइश पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन को वापस लेकर शव का अंतिम संस्कार किया। ये रविंद्र भीमटे हैं और ये मीरकपुर निवासी हैं और इनकी मात्र उम्र जो है 21 वर्ष है। ये जो है हाई टेंशन लाइट के करंट से इनकी मृत्यु हुई है। ठेकेदार इनसे काम करवाया जा रहा था और प्रधानमंत्री आवास में काम करा रहे थे और घर से जो छत है, छत से 4 फुट हाई टेंशन गई है 11 केवी का, वहाँ ये काम करते करते इसकी मृत्यु हो गई है। इस पार्ट पे मृत्यु हो गई और जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने बताया भी नहीं उनके पिताजी को कि इसकी मृत्यु इस पार्ट पे हो गई है। उसको झूठ बोलकर जो है कटंगी अस्पताल लेके गए वहाँ से कि आपको अर्जेंट वहाँ बुलाया गया है, आप कुछ काम से कह के उसकी मृत्यु हो गई है। परिवार के लोगों की मांग है कि परिवार के लोगों को मुआवजा मिले, उनके साथ न्याय हो और उसको जेल के पीछे डाले, उस पर जो है 302 का मुकदमा कायम करें, क्योंकि जानबूझकर उनने काम करवाया है। 2 साल से उनके साथ में काम कर रहा है रविंद्र भीमटे, लेकिन जब भी मुआवजे की बात आई तो वो जो है गलत तरीके से जो है लोगों से बयान कर रहा है। मतलब ऐसा है कि वो मन मर्जी जो चाहे तुमसे कर लो, मजबूरी में आकर आज ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि गरीब को न्याय मिले, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिले, इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ये धरना प्रदर्शन यहाँ से समाप्त नहीं होगा। नांदी से राहुल भूरे।